नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 24 सितंबर की आज की राजस्थान की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी और अहम खबर की। आपको बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। वसुंधरा राजे ने कहा है कि नागौर में मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, जयपुर में मर्डर और अलवर में दलित युवक की हत्या के ये वारदातें बता रही हैं कि क्राइम में नंबर एक पर पहुंच गया है राजस्थान। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके हाल ही में हुई वारदातों का जिक्र किया है। नागौर में मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, जयपुर में फायरिंग और मर्डर और अलवर में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दिए जाने को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि रीट परीक्षा में निजी स्कूल के कवर होंगे सीसीटीवी। बड़ी और अहम खबर है, राजस्थान में 26 सितंबर को होने जा रही रीट परीक्षा अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसमें 31,000 पदों के लिए दो पारियों में 25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बैठेंगे। ऐसे में सरकार के साथ आम जनता को भी इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए एक काम करना चाहिए। यह कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया है कि नकल रोकने के लिए शुक्रवार को एक और फैसला हुआ है। प्रदेश के निजी स्कूलों में जहां सेंटर आए हैं वहां के सीसीटीवी कैमरे कवर किए जाएंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि सचिन पायलट ने फिर की राहुल गांधी से मुलाकात। पंजाब के बाद अब कांग्रेस आलाकमान की नजर राजस्थान पर टिकी हुई है। राजस्थान को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सूचना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सचिन पायलट ने एक बार फिर मुलाकात की है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद। 12 घंटे में 2 तबादलों, सूची 17 ASP बदले। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 12 घंटे में 2 तबादला सूची जारी की है। गृह विभाग ने 17 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को तबादला किया है। ये सबसे बड़ी और अहम खबर है। आपको बता दें कि 17 RPS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि रीट एग्जाम को लेकर एक और बड़ी खबर, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। रोडवेज परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वाले संस्थानों पर रेशमा लागू। रीट परीक्षा 2021 के मद्देनजर गहलोत सरकार ने रोडवेज परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वाले संस्थानों पर रेशमा लागू कर दिया है। रेशमा के दायरे में शामिल इन संस्थानों से संबंधित कोई भी व्यक्ति न तो हड़ताल कर सकेगा और न ही हड़ताल में शामिल हो पाएगा। प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान मौसम अलर्ट को लेकर बड़ी खबर। आपको बता दें कि राजस्थान में आज भी जारी रहेगा भारी बारिश का दौर। 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। राजस्थान में आश्विन महीने में मेघ की सक्रियता बनी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बता दें कि भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, राजसमंद, चिरोई, नागौर, चूरू, पाली, जालौर और जोधपुर में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में मेघगर्जना और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना रहेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, राजस्थान में इस साल की सबसे बड़ी परीक्षा यानी रीट में महज 2 दिन शेष है। इससे पहले परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाने वाले, पेपर उपलब्ध कराने वाले और नकल कराने वाले रैकेट की धरपकड़ लगातार जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि दौसा जिले में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा दिलवाने के एवज में 5.25 लाख रुपए वसूलने वाले गैंग के 4 सदस्यों और सीकर जिले में परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध करवाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इनके कब्जे से लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई है। अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि SI भर्ती परीक्षा और रीट 2021 और पटवारी भर्ती में राजस्थान में लाखों अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस मुख्यालय यानी PSQ के एक तुगलकी आदेश ने सैकड़ों अभ्यर्थियों का करियर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आदेश ये है कि जयपुर, जोधपुर समेत अन्य जगहों पर पुलिस ट्रेनिंग ले रहे नए रंग रूट प्रशिक्षण काल के दौरान किसी भी परीक्षा में नहीं बैठने दिए जाएंगे। ऐसे में सैकड़ों अभ्यर्थियों का सपना सकना सुर हो गया है। बड़ी बात यह है कि इस आदेश के बाद से कुछ परिजनों ने आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला राज्यपाल तक पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि डीजल प्राइस को लेकर बड़ी खबर। आपको बता दें कि महंगाई का झटका, फिर बढ़े डीजल के दाम, 97.99 रुपये पहुँचा है राजधानी जयपुर में। आम आदमी को एक बार फिर महंगाई का झटका देते हुए शुक्रवार को सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। हालांकि पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर आ रही है, रीट एग्जाम के पेपर से भरा कंटेनर पलटा, एक की मौत, हादसे के बाद पुलिस अधिकारियों के ओढ़े होश। सबसे बड़ी खबर है, राजधानी जयपुर यानी मनोपुरा दौसा नेशनल हाईवे पर रायसर थाने के समीप बुधवार देर रात सांड को बसाने के चक्कर में रीट एग्जाम के पेपर से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया है।
हादसे में कंटेनर चालक की मौत हो गई और अन्य दो लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। कंटेनर हथियारबंद जवानों की सुरक्षा में जा रहा था। हादसे के बाद पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी और अहम खबर है, गुरुवार सुबह आनंद फानंद में परिवहन विभाग की मदद से दूसरा कंटेनर मंगवाकर पेपर के बंडलों को रिंग थाना पुलिस की एस्कॉर्ट के अलावा एक अन्य कार के जरिए पुलिस जाब्ते के साथ रवाना किया गया है। ये थी राजस्थान की आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।